हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, FACT द फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावणकोर लिमिटेड, ये मिनी रत्न कंपनी है, भारत सरकार की सेंट्रल PSU है। दोस्तों, इसमें कई अलग अलग पोस्ट निकली हैं, इसमें कि आपकी सीनियर मैनेजर की पोस्ट 3 हैं और सीनियर मैनेजर HRM की 2 हैं। इसी प्रकार अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, और जो बीटेक वालों के लिए वैकेंसी है वो है MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की 18 वैकेंसी है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 13 वैकेंसी है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की 10 वैकेंसी है, और जो सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है MT की। और इसी प्रकार अलग अलग ब्रांच की अलग अलग वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, जो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है वो केमिकल वालों के लिए है, प्रोसेसर की है टोटल 45 वैकेंसीज, और टेक्नीशियन मैकेनिकल की 8 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की आपके पास 3 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की आपकी 3 वैकेंसी, और जो सिविल इंजीनियर टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन इन सिविल, उसकी 3 वैकेंसी है। दोस्तों, ये टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मांगा गया है। ये डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग एंड 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। दोस्तों, मैं सीधे बात करूंगा MT की वैकेंसी के विषय में। MT में आप लोगों का सीधा बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग केमिकल से मांगा गया है, और जो मैकेनिकल की उसमें मैकेनिकल से मांगा गया है, और जो इलेक्ट्रिकल की उसमें इलेक्ट्रिकल से मांगा गया है। और दोस्तों, टेक्नीशियंस की जो वैकेंसी है उसमें प्रोसेसर की जो वैकेंसी है उसमें डिप्लोमा भी मांगा गया है, और BSc डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री से, तो आप इसमें भर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, दोस्तों इसमें जो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिकल का इसी प्रकार है, और सिविल टेक्नीशियन इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें डिप्लोमा मांगा गया और प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस। दोस्तों, इसमें एज लिमिट दी गई है, एज लिमिट आपकी 35 दी गई, टेक्नीशियन पद के लिए आपकी 35 दी गई है। दोस्तों, इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड जो चलेगा वो 2 साल का चलेगा, जिसमें कि आपको पेमेंट भी एक कंसोलिडेटेड पेमेंट मिलेगी, जिसमें कि आपको 22,000 रुपये मिलेगी। आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर 2 ईयर से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको 20,000 मिलेगी, अगर 1 ईयर से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको 18,000 मिलेगी। कंप्लीशन टाइम आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। जब आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपका जो बेसिक पे है ये 9,250 से 32,000 जुड़ेगा, उसके बाद जो कंपनी के अलाउंसेस होंगे। दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है वो आपकी 1180 रुपये लग रही है। दोस्तों, इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, और जो एग्ज़ाम सेंटर आपके हैं वो MD वालों के लिए दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, कोचीन है, और जो डिप्लोमा वालों के लिए वो तिरुवनंतपुरम और कोचीन, 2 ही जगह एग्जाम सेंटर है। और इसका सिलेबस भी दिया गया है, इसमें जो डिप्लोमा वालों के लिए सिलेबस रहने वाला है, डिप्लोमा वालों के लिए जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका 90 मिनट रहने वाले हैं, और आपके 30 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग, और 60 क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियरिंग से आएंगे, आपके रिलेटिव ब्रांच से। दोस्तों, देखिए सिलेबस तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको सर्विस बॉन्ड 5 साल का भराया जाएगा, जिसमें कि आपको एक फिक्स अमाउंट देना होगा। डिप्लोमा वालों के लिए 40,000 और BTEC MTEC वालों के लिए 1.5 लाख रुपये का बॉन्ड भराया जाएगा। दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है, जो फॉर्म स्टार्ट है वो, दोस्तों इसका फॉर्म 8 जुलाई से स्टार्ट है और 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आप लोग देख लीजिए। और जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है वो फॉर्म को भर दीजिए। आपको दोस्तों किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको भर्ती से संबंधित अपडेट मिलेगी, छोटी सी बड़ी भर्ती कोई भी भर्ती रहेगी, A to Z आपको सभी भर्ती की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।